हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप माइंड्स एंड वर्कशीट नंबर 13। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम लिखेंगे, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी और डेट ज़रूर लिखेंगे। बेटा, आज हमारी जो वर्कशीट है वो है डर के साथ डर के पार। उसका पहला पार्ट है, और किसी काम को भी करने से पहले बेटा जो डर है उस पे जीत हासिल करनी पड़ती है, तभी हम उस काम को कर पाते हैं। चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो मशीन चलाना हो, कोई भी काम हो। आपने जब पहली बार पेन पकड़ा था तब ये लगा होगा, ड्राइंग की थी तो लगा होगा ये कैसे होगा, लेकिन जब आपने उसे किया और धीरे धीरे आप इतना अच्छा करने लगे, तो डर के आगे जीत तब है जब आप डर पर सबसे पहले विजय पाएंगे, और वही हमें आज सीखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस बार EMC में आपसे मिलने आए हैं नेहा, अमित और उनके दोस्त। नेहा को डर लगता है सबके सामने बात रखने में, और अमित डरता है मेन रोड पर साइकिल चलाने में। इसी तरह सोचिए, बाकी सब बच्चे सबको किस बात से डर लगता होगा। नीचे दिए गए बॉक्स पे आपको बताना है बेटा कि ये जो डर है, अगर मानो नेहा को डर लग रहा है लोग किसी से बात करने में, और अमित को डर लगता है साइकिल चलाने में रोड पर, तो कैसे सीखेगा वो? जब तक वो करके नहीं देखेगा उस काम को, तब तक वो नहीं सीख पाएगा। चाहे कोई भी हो, चाहे वो नेहा, जब तक बोलना नहीं सीखेगी, थोड़ा थोड़ा बोले, डरे नहीं, कोई बात नहीं, कुछ गलती हो भी जाती है तो अगली बार और अच्छा कर पाएगी। जब बोलेगी तभी सीखेगी। अमित अगर साइकिल चलाएगा, थोड़ा साइड पर रुक जाए चलाते हुए, अगर कोई बड़ा वाहन आ रहा है तो रुक जाए साइड पर फिर चलाए, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसका डर खुल जाएगा, तो फिर आराम से चला सकेगा। लेकिन उसको सबसे पहले आपको अपने मन से जीतना है, उस डर पर विजय पाएंगे तभी हम उस काम को आगे कर पाएंगे। अब देखिए, इसी तरह से आपको सोचना है कि बाकी सबको किस किस बात से डर लगता होगा। नीचे दिए गए बॉक्स में, अब आप भी तो बच्चे हैं, सबको पता है ना कि आपको किस किस बात से और आपके जानने वाले दोस्तों को किस किस बात से डर लगता होगा, तो आप यहाँ पर वो सारे लिखेंगे कि किस किस बात से डर लगता है। किसी को मैथ्स का काम करने से डर लगता है, किसी को ड्राइंग बनाने से डर लगता है, किसी को चार्ट बनाने से डर लगता है कि नहीं मेरा चार्ट खराब हो जाएगा, मेरे से गलती हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कवर चढ़ाने से भी डरते हैं कि मेरा कवर खराब हो जाएगा, मुझे कवर चढ़ाना ढंग से नहीं आता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कूदने से डर लगता है उन्हें, ऊँचे स्थान से नीचे नहीं कूद सकते, भागते नहीं है, सोचते हैं नहीं मैं पीछे रह जाऊँगा, तो पहले से ही अपने आप को जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बेटा, सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि अगर हम मन से जीतेंगे तभी हम हर कार्य में जीत सकेंगे। तो आप किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं सोचेंगे, आप यहाँ पर पहले वो लिख लीजिए कि किस किस का क्या डर हो सकता है, सोचिए, या अब तक आप किन किन चीज़ों से डरते थे सोच के लिखिए, आपके दोस्तों से पूछिए क्या आपको भी डर लगता है, एक पर्ची पर लिखिए सब अपने। यदि आपके एक से अधिक डर है तो उन्हें अलग अलग पर्ची पर लिखिए। अपने परिवार के सदस्यों में सभी को ऐसा करने के लिए कहिए, और सबकी पर्चियाँ एक बॉक्स में डाल दीजिए बेटा। जब एक डब्बे में आप वो पर्चियाँ डाल देंगे, तो उस पर्ची का जो लिफाफा है या जो डब्बा है, जिस समय सभी सदस्य एक साथ बैठे हुए हों, तब वो पर्ची वाला डिब्बा या लिफाफा ले आइए, और सबको एक एक करके पर्ची उठाने के लिए कहिए। जो पर्ची निकालेगा वह पढ़कर सुनाएगा कि उसमें क्या लिखा है, और सब मिलकर अनुमान लगाएंगे, सब मिलकर ये कोशिश करेंगे जानने की उस डर से कि ये कौन सा सदस्य है जिसका ये डर हो सकता है। और जिसका भी वह डर हो, वह अपने डर को सबके सामने संक्षिप्त में, यानी कि कुछ बातें जो मेन बातें वो बताना चाहते हैं वो अपने सामने रखें सबके, बाकी सदस्य सुने, और ध्यान रहे मजाक नहीं बनाना है बेटा, मजाक बनाएंगे तो ये गलत है, फिर कोई भी गतिविधि हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, कोई सफलता नहीं मिलेगी अगर हम मजाक बनाएंगे, तो आपको मजाक कभी नहीं बनाना है। इस गतिविधि के अनुभव के बारे में नीचे लिखना है आपको, क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था और क्यों। तो बेटा, अगर आसान था तो क्यों था, कैसे था, आपने बात की तो उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है, आपको ये लिखना है।
क्या आप एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए? उदाहरण दीजिए। तो बेटा अंदाज़ा सही इसलिए लगा पाते हैं कि हम एक ही परिवार में रहते हैं और हम देखते हैं कि वो उस काम को करने से बचता है, जो इंसान जिससे डरता है वो उस काम को करने से बचता है, या फिर वो कहीं ना कहीं उसमें अनईजी होता है, जब उस काम को करना पड़ता है तो वो परेशानियों के साथ करता है। तो उसके बाद देखिए क्या सबको डर लगता है, आइए एक सर्वे करें। तो अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी में सर्वे करना है, आपको अपने पड़ोसी रिश्तेदार दोस्तों में किन्हीं 10 लोगों को फ़ोन करना है, और ये जो तालिका नीचे बनाई गई है इस तरह से एक तालिका बनाकर उसमें लिखना है कि उनका नाम जिनको आपने फ़ोन किया, और उनसे पूछना है आपको क्या डर लगता है, किस चीज़ से डर लगता है। जैसे आजकल लोग क्या कहेंगे, हमें तो कोविड से डर लगता है। कोविड से सबको डर लगता है, लेकिन कोविड पर जीत पाने का तरीका क्या है? कोविड से जीतने का तरीका है उसकी गाइडलाइंस, यानी कि शारीरिक दूरी बना के रखनी है हमें 6 फीट या 2 गज की, हमें हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना है, अपने आसपास सफाई बना के रखनी है, बस। तो हम कोरोना को आसानी से कोविड-19 को हरा सकते हैं। तो इसलिए डरना नहीं है, अगर हम डरते रहे तो हम घर में ही बैठे रह जाते, तो सारी जो ज़िंदगी सबकी थी वो ठप हो गई थी, कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, उसको खोला गया ना, आज लोगों ने नॉर्मल रूटीन को एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो इसी तरह से हर डर को जीतना आना चाहिए, तभी डरेंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। मन से अगर आप जीतेंगे, जब आपकी सोच में आप जीतेंगे, आप पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, आप उस चीज़ को करके देखेंगे तभी आप जीत सकेंगे। तो इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चला, अब आपको बताना है कि इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चला, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए और नीचे लिखिए। इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पे एक वर्कशीट है जो आपकी अभी आगे कोई डिस्कशन भी आने वाला है 29 अक्टूबर को जो दोपहर 12 बजे, जो डर को और भी ज़्यादा आपको किसी से इंटरेक्शन करवाया जाएगा, और अगली वर्कशीट में हमें और अच्छे से बताया जाएगा कि हम डर को और गहराई से कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो पहला देखिए कि हमने यहाँ पे वर्कशीट में आज यहाँ पर क्या सीखा। सबसे पहले हमने जो सीखा है वो क्या है, हमने जो ये एक दोहा पढ़ा हुआ है, सबसे पहली बात तो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी कि सबसे पहले अगर आप अपने दिल से जीतेंगे, आप खुद उस चीज़ को महसूस करेंगे और जीतेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कुछ भी करने से पहले, हमें उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। और जब हम कॉन्फिडेंट होंगे किसी भी काम को करने के लिए, अगर गलत भी हो जाएगा तो क्या हुआ, गलत हो जाएगा तो फिर से करेंगे, फिर से सीखेंगे। बेटा जो कोशिश करता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब ये देखिए बेटा, हम लोग स्कूल में पढ़ाते थे आपको, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मुझे ये यूट्यूब और ये सब कुछ नहीं आता था। आज क्योंकि यही एक माध्यम है मेरा आपके पास पहुँचने का, आपके साथ बात करने का, आप तक ये ज्ञान को पहुंचाने का, ताकि आपकी पढ़ाई भी चलती रहे, आप अपने समय के अनुसार जब चाहे तब पढ़ सके, आपको परेशानी ना हो, जब जिसके पास फ़ोन हो, चाहे वो रात को हो या सुबह हो, वो बच्चा पढ़ाई कर सके, तो उसके लिए YouTube हमारा एक बहुत अच्छा माध्यम बना। लेकिन पहले मुझे भी ये नहीं आता था, मैं बहुत डरती थी, सोचती थी पता नहीं कैसे लोग डाल देते हैं वीडियो, पता नहीं ये कैसे होता है। लेकिन आज देखिए, आज आप लोगों ने ये ताकत दी, ये मोटिवेशन दिया, आपने प्रोत्साहन दिया, आपके लाइक्स ने, आपके कमेंट्स ने, आपके प्यार ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है कि मैं आपकी वर्कशीट्स आपको पहुँचा पाती हूँ। और जब वर्कशीट आती है तो मुझे सबसे पहले ये लगता है कि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैंने कोशिश की, आज वो कोशिश सफल हुई और आपके मोटिवेशन ने मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया।
तो आप भी जब कोशिश करेंगे, एक बार सब कुछ गलती थोड़ी बहुत होगी तो दूसरी बार और अच्छे से सीखेंगे और धीरे धीरे और अच्छा होता चला जाएगा। और जब आपको समय समय पर प्रोत्साहन मिलेगा, तो वो जो समय समय पर प्रोत्साहन मिलेगा बेटा, वो आपको और आगे लेकर जाएगा, तब आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे से कोशिश करिए, हर नई चीज़ को सीखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और बेटा आप साथ ही साथ इस समय COVID-19 से भी पूरा अपना बचाव करिए, अपने परिजनों का बचाव करिए, सबको ये समझाइए कि हमें शारीरिक दूरी बनाए रखनी है 6 फीट या 2 गज की, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना है, नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोना है, अपने आसपास सफाई बनाए रखनी है, और अच्छे से इस अवसर का प्रयोग करके हम और कुछ नया, और भी नई चीज़ें करनी है, नई चीज़ों इनोवेट करनी है और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। तो इसी तरह से कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, कीप इन टच बाय सब्सक्राइबिंग। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और अपना काम आप समय पर कर सकेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए और आपका बहुत 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 धन्यवाद बेटा, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके साथ के लिए और आपके प्यार के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।